हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। वैसे आई नो ठीक तो नहीं हो आप लोग, क्योंकि इतना ज़्यादा NTA NMC पेपर कौन कंडक्ट कराएगा, कौन से चैप्टर डिलीट हो गए, कौन से नए टॉपिक ऐड हुए हैं, ओल्ड NCERT पढ़े, न्यू NCERT पढ़े, इन सब में आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए हो। आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, लेकिन टेंशन मत लो, मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पाऊँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बायो में कौन कौन से चैप्टर डिलीट कर दिए गए हैं और कौन कौन से नए टॉपिक ऐड हुए हैं। बायो में हम सबसे पहले बात करते हैं क्लास 11th की। इसमें हम यूनिट वाइज देखेंगे कि हाँ, ये वाला चैप्टर डिलीट हो गया या फिर ये वाला टॉपिक डिलीट हो गया या फिर कुछ नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट 1 की, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहले देखो लिविंग वर्ल्ड में कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है। ये टॉपिक देख रहे हो, टेक्सोनॉमिकल एड्स, ये वाला टॉपिक इन्होंने डिलीट कर दिया। ठीक है, टेक्सोनॉमिकल एड्स हो गया, उसके बाद हर्बेरियम हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो हर्बेरियम के बाद उसके बाद ये ना बोटैनिकल गार्डन वाला टॉपिक हो गया, उसके बाद ये ना म्यूजियम वाला टॉपिक हो गया। ठीक है, उसके बाद जूलॉजिकल पार्क और की, ये सारे टॉपिक इन्होंने डिलीट कर दिए। ठीक है, उसके बाद एक और बात मेरी बहुत ध्यान से सुनो, अगर आप न्यू वाली NCERT खोलोगे ना बायो की, तो ये देखो आपको ना ये वाला टॉपिक नहीं दिखेगा, व्हाट इज लिविंग, जबकि ये वाला तो कटवाया ही नहीं इन्होंने, ये तो नीट में आ सकता है, लेकिन न्यू NCERT में तो ये दिया ही नहीं हुआ। तो प्लीज़ पुरानी NCERT की वैल्यू करो, रिस्पेक्ट करो, पुरानी NCERT बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको पुरानी NCERT बहुत ज़्यादा शिद्दत से पढ़नी है, जैसे कि आप पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, पुरानी NCERT को इग्नोर नहीं करना नई वाली के चक्कर में, ये नहीं कि नए इंसान आए पुराने को भूल गए, ऐसे करना गलत बात होती है। सुन रहे हो, समझ आ गया लिविंग वर्ल्ड में से क्या डिलीट हुआ है, ये टैक्सोनॉमिकल एड्स वाला टॉपिक। उसके बाद अगर हम बात करें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, तो इसमें से इन्होंने इस पर दया कर दी, इसमें से कुछ डिलीट नहीं किया। ठीक है, आपको पूरा का पूरा चैप्टर एज इट इज़ पढ़ना है, जैसे आप पढ़ते हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें प्लांट किंगडम की, तो आप जब सबसे लास्ट वाले पेज पे जाओगे, जब चैप्टर एंड होता है, तो आपको एक टॉपिक दिखेगा, प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये टॉपिक इन्होंने काट दिया है। लेकिन मैं तो ये बोलूँगी कि आपको पढ़ना चाहिए टॉपिक, क्योंकि ईजी भी है, अच्छा टॉपिक भी है और उतना कुछ है नहीं। ठीक है, इसके बारे में आप मोटा मोटा पहले भी पढ़ते हो, तो इस वाले चैप्टर में भी और अच्छे से लिखा है, तो आप इसको छोड़ने का कोई फ़ायदा है नहीं, आप इसको पढ़ लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें एनिमल किंगडम की, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जैसे इस पर भी दया आ गई इन लोगों को, और इसमें से भी कुछ कट नहीं हुआ है। तो यूनिट 1 की अगर हम बात करें, लिविंग वर्ल्ड में से इन्होंने ये वाला टॉपिक काट दिया, टैक्सोनॉमिकल एड्स, हर्बेरियम, बोटैनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क की। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इन्होंने कुछ नहीं काटा, प्लांट किंगडम में से इन्होंने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन काट दिया, और एनिमल किंगडम में से भी इन्होंने कुछ नहीं काटा। उसके बाद देखो अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड यूनिट की, ठीक है, और चैप्टर नंबर 5 की, जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें से पता है इन्होंने कुछ नहीं काटा, मतलब कुछ भी नहीं काटा, लेकिन इन्होंने इसमें कुछ नई चीज़ें ऐड कर दी, कुछ नई फैमिलीज ऐड कर दी जिनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, इन्होंने कुछ नई फैमिलीज ऐड कर दी जिनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 6 की, जिसका नाम बताओ क्या है, जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इन्होंने इसमें से एक छोटा सा टॉपिक काट दिया है। रुको दिखाती हूँ वो कौन सा टॉपिक है, वो टॉपिक है ये वाला सेकेंडरी ग्रोथ, इन्होंने ये पूरा का पूरा टॉपिक काट दिया, सेकेंडरी ग्रोथ हो गया। ठीक है, वेस्कुलर कैम्बियम की बात करें अगर हम, ठीक है, एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग, ठीक है, उसके बाद ये देखो कॉर्क कैम्बियम, इन्होंने ये पूरा का पूरा टॉपिक ही काट दिया सेकेंडरी ग्रोथ वाला। ठीक है, उसके बाद देखो 7th चैप्टर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, इन्होंने पता है इसमें क्या किया, इन्होंने इसमें ये देखो ये बेचारा जो अर्थवर्म था, ठीक है, और ये प्यारा सा कॉकरोच, इन दोनों को हटा दिया, इन दोनों को काट दिया, ठीक है, डिलीट कर दिया, रिमूव कर दिया इन दोनों को, और किसको ऐड किया पता है इस बार ना, इन्हें मेंढक पे बहुत प्यार आ रहा था, तो इन्होंने फ्रॉग को ऐड कर दिया, मतलब अर्थवॉर्म और कॉकरोच को काट दिया और किसको ऐड कर दिया। अब आपको किसके बारे में पढ़ना है, इस प्यारे से मेंढक के बारे में अब आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये देखो सेकेंड यूनिट की बात भी आपको समझ आ गई कि मॉर्फोलॉजी में इन्होंने कुछ नई फैमिलीज ऐड कर दी है, एनाटॉमी में इन्होंने सेकेंडरी ग्रोथ वाला टॉपिक काट दिया, और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स वाले में बताओ इन्होंने क्या किया, अर्थवर्म और कॉकरोच को काट दिया और फ्रॉग को ऐड कर दिया। उसके बाद चलो नेक्स्ट यूनिट पे, सेल वाली यूनिट पे, ठीक है, यूनिट 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिसमें 3 चैप्टर है। 8th वाला चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें कुछ नहीं काटा, ठीक है, आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। और अगर हम 10th चैप्टर की बात करें सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, इसमें भी कुछ नहीं काटा, इसमें भी आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। अब देखो अगर हम बायो मॉलिक्यूल्स की बात करें, तो इसमें से बहुत छोटे छोटे दो टॉपिक काट दिए, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे, रुको दिखाते हूँ, बहुत छोटे, एक तरह से आपको पूरा ही पढ़ना है बायो मॉलिक्यूल्स की, बहुत छोटे छोटे दो टॉपिक काटे हैं, रुको दिखाती हूँ, ये देखो 9.9 डायनेमिक स्टेट, और एक ये 9.10 मेटाबॉलिक बेसिस, बायोमॉलिक्यूल्स में से ये दो छोटे छोटे टॉपिक इन्होंने काट दिए, बाकी आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, मतलब
ये देखो एथ वाले चैप्टर में, सेल वाले में आपको कुछ नहीं काटना, पूरा का पूरा पढ़ना है। सेल साइकिल में भी आपको कुछ नहीं काटना, पूरा का पूरा पढ़ना है। अगर हम बायो मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ये दो छोटे छोटे टॉपिक काट दिए गए हैं, 9.9 और 9.10, डायनेमिक स्टेट वाला और मेटाबॉलिक बेसिस वाला। उसके बाद चलो हम बात करते हैं अपने फोर्थ यूनिट की। एक मिनट, ये देखो फोर्थ यूनिट प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें हमारे पास 5 चैप्टर्स हैं। जो आपको पहले 2 चैप्टर्स दिखाई दे रहे हैं ना, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स और मिनरल न्यूट्रिशन, इन दोनों को तो इन्होंने गायब कर दिया, बिल्कुल ही डिलीट काट दिया पूरा का पूरा, मतलब बिल्कुल ही पूरा का पूरा चैप्टर ही काट दिया। 11th और 12th ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स और मिनरल न्यूट्रिशन पूरा का पूरा काट दिया। अब अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो इसमें कुछ नहीं काटा, पूरा का पूरा आपको पढ़ना है, बिल्कुल एज इट इज़ पूरा का पूरा आपको पढ़ना है, ठीक है। और रेस्पिरेशन की भी सेम कहानी है, पूरा का पूरा आपको पढ़ना है। मतलब शुरू के 2 चैप्टर्स इन्होंने काट दिए, ये दोनों आपको एज इट इज़ पढ़ना है, कुछ चेंज नहीं करना। लास्ट में अगर हम बात करें प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, तो रुको इसमें दिखाती हूँ इसमें इन्होंने क्या काटा है। एक मिनट, ये रहा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें से इन्होंने क्या किया ना, ये देखो ये टॉपिक दिखाई दे रहा है आपको फोटोपीरियडिज्म, ये इन्होंने पूरा का पूरा काट दिया, ठीक है। उसके बाद ये टॉपिक दिखाई दे रहा है वर्नलाइजेशन और सीड डोरमेंसी, ये 3 टॉपिक इन्होंने इस चैप्टर में से डिलीट कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद हम बात करते हैं अपने 11th क्लास के लास्ट यूनिट की, जिसका नाम है ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें हमारे पास 7 चैप्टर्स दिए हैं 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन पूरा का पूरा काट दिया, ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर ही डिलीट कर दिया इन्होंने, ठीक है। अब अगर हम इन सारे चैप्टर्स की बात करें, देखो ध्यान से सुनना, ह्यूमन फिजियोलॉजी में बस 16 चैप्टर काटा है, ठीक है, 16 वाला भूल जाओ, 16 चैप्टर इन्होंने काट दिया, बाकी 17, 18, 19, 20, 21, 22 आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। सिर्फ ये वाला जो चैप्टर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें से एक टॉपिक, 2 टॉपिक रिमूव कर दिया। रुको दिखाती हूँ कौन सा वाला, न्यूरल कंट्रोल में इन्होंने 2 टॉपिक रिमूव कर दिए। एक मिनट, न्यूरल कंट्रोल में इन्होंने आई हटा दिया, और ये देखो ये आई वाला टॉपिक हटा दिया इन्होंने, और ये देखो ये ईयर वाला। तो मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, रुको दिखाती हूँ। प्लांट फिजियोलॉजी की तो हमने बात कर ली कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स और मिनरल न्यूट्रिशन, ये दोनों चैप्टर डिलीट कर दिए, इन दोनों में कुछ डिलीट नहीं किया, बिल्कुल एज इट इज़ आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। और प्लांट ग्रोथ में मैंने आपको बता दिया था ना, फोटोपीरियडिज्म, वर्नलाइजेशन और सीड डोरमेंसी, ये 3 टॉपिक रिमूव हो गए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अपने लास्ट वाली यूनिट की, मतलब कि किसकी, ह्यूमन फिजियोलॉजी की, इसमें देखो पहला जो चैप्टर है 16 वाला डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, ये पूरा का पूरा इन्होंने डिलीट कर दिया, बाकी इन्होंने कुछ चेंज नहीं किया, मतलब पूरा का पूरा आपको पढ़ना है। सिर्फ ये न्यूरल कंट्रोल वाला जो चैप्टर था ना, उसने आई और ईयर इन्होंने रिमूव कर दिया। चलो अब अगर हम बात करें अपने क्लास 12th की, सबसे पहली यूनिट है इसमें रिप्रोडक्शन, जिसमें 4 चैप्टर्स है हमारे पास, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिजम्स, ये कट हो गया है, ठीक है। बाकी के 3 चैप्टर, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये तीनों तो आपको पढ़ने ही पढ़ने, एज इट इज पढ़ना है जैसे आप पढ़ते हो, लेकिन फर्स्ट वाला चैप्टर इन्होंने डिलीट कर दिया, ठीक है, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद अगर हम जेनेटिक्स वाली यूनिट की बात करें, तो जेनेटिक्स आपको पूरी की पूरी पढ़नी है, ठीक है, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ। उसके बाद इस वाली यूनिट की बात करें अगर हम, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें 3 चैप्टर है, उसमें से 1 चैप्टर इन्होंने डिलीट कर दिया, कौन सा वाला, चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ये वाला चैप्टर डिलीट हो गया। बाकी दोनों चैप्टर में कोई चेंजेस नहीं है, पूरा का पूरा आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 10, सिर्फ चैप्टर नंबर 9 इन्होंने डिलीट कर दिया। मतलब अभी जो हमने 10 चैप्टर्स देखे ये सारे, ठीक है, ये रहे 4, ये 3 और ये 3 चैप्टर, टोटल 10 चैप्टर में से इन्होंने 2 चैप्टर डिलीट कर दिए, एक तो फर्स्ट वाला चैप्टर रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स और एक ये 9th वाला चैप्टर स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। उसके बाद अगर हम अपनी नेक्स्ट यूनिट देखें, कौन सी नेक्स्ट यूनिट हमारे पास, बायोटेक्नोलॉजी, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, ठीक है। लास्ट यूनिट की अगर हम बात करें इकोलॉजी वाले की, ठीक है, जिसमें चैप्टर नंबर 13 है सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, कुछ चेंज नहीं हुआ, आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। उसके बाद अगर हम इकोसिस्टम की बात करें, इसमें से एक टॉपिक डिलीट हो गया, वो टॉपिक कौन सा है, रुको मैं आपको दिखाती हूँ। पेज नंबर 250 पे एक टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है, इकोसिस्टम में, उसका नाम है इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये इन्होंने डिलीट कर दिया है, मतलब ये आपको नहीं पढ़ना, सिर्फ ये वाला टॉपिक डिलीट हुआ है, लेकिन बाकी रुको, इसके आगे जैसे ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है, ये सब आपको पढ़ना है, सिर्फ ये वाला टॉपिक डिलीट हुआ है, ठीक है, इकोलॉजिकल सक्सेशन वाला टॉपिक इकोसिस्टम में से डिलीट हो गया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन की, चैप्टर नंबर 15 की, तो इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। लास्ट वाला चैप्टर एनवायरमेंटल इशूज़, ये पूरा का पूरा चैप्टर डिलीट हो गया है, ठीक है, चैप्टर नंबर 16 एनवायरमेंटल इशूज़, पूरा का पूरा चैप्टर डिलीट हो गया। ये देखो रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स डिलीट हो गया, बाकी तीनों चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ये तीनों चैप्टर भी आपको जेनेटिक्स वाले पढ़ने हैं, इसमें से सिर्फ ये स्ट्रेटजीज वाला चैप्टर डिलीट हो गया। बायोटेक्नोलॉजी आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, कुछ डिलीट नहीं हुआ। और अगर हम इकोलॉजी वाले यूनिट की बात करें, तो लास्ट वाला चैप्टर एनवायरमेंटल इशूज़ डिलीट हो गया, और इकोसिस्टम में से एक टॉपिक था इकोलॉजिकल सक्सेशन, वो डिलीट हो गया।
बाकी मैं ये बोलूँगी कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, इन सब चीज़ों के पीछे टाइम वेस्ट मत करो कि क्या डिलीट हो गया क्या नहीं डिलीट हुआ है, ठीक है? क्योंकि देखो यार, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लोगे ना, मतलब अगर कुछ डिलीट हो गया और अगर आपने वो पढ़ भी लिया तो कुछ नुकसान नहीं होगा, पढ़ाई का कुछ नुकसान नहीं होता। आप अगर पढ़ लोगे तो हाँ, और अच्छा ही होगा आपके लिए, और ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है? तो इन सब चीज़ों की टेंशन मत लो। बाकी मैं इसके बाद एक और वीडियो लाऊंगी जिसमें हम केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसमें से क्या डिलीट हो गया, कौन से टॉपिक्स नए ऐड हुए हैं, ठीक है? और ऐसे ही मैं एक फिजिक्स की वीडियो भी लाऊंगी। बाकी प्लीज़ 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 बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, एक एक दिन अच्छे से यूज़ करो, बहुत कीमती है, बहुत ज़्यादा कीमती है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो रिजल्ट वाले दिन बहुत ज़्यादा रोना आएगा, ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट।